ओम शांति। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो मेरे समान बन, मेरे पास आ जाएंगे। चलें सुंदर अभ्यास की ओर। स्थित हो जाएं अपने आत्म स्वरूप में। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। मैं 5000 वर्ष पहले परम धाम घर से इस धरा पर अवतरित हुई थी। पहले 2 युग मैंने संपूर्ण सुख व आनंद में व्यतीत किए, क्योंकि तब मैं संपूर्ण निर्विकारी थी, आत्म अभिमानी थी। परंतु द्वापर युग से आत्मविस्मृति के कारण मेरा वो सुख छिन्न भिन्न हो गया। अब पुनः संगम पर स्वयं परमात्मा मुझे सत्य ज्ञान दे रहे। कि मैं देह नहीं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद मेरा स्वभाव है, सुख मेरी संपत्ति है। अनुभव करें अपने सत्चित आनंद स्वरूप को। अब मैं इस देह से निकलकर यात्रा करती हूं ऊपर की ओर। मैं चमकती हुई ज्योति आकाश मंडल को पार करते हुए जा रही हूं अपने निज धाम को। यह परम धाम है, गोल्डन प्रकाश से आच्छादित, संपूर्ण शांति से भरपूर। यही मेरा घर है। मेरे सामने है दुख हरता, सुख करता, आनंद के सागर, मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा। उनको देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूं। ये वही है
जिन्हें मैं जन्म जन्म से याद कर रहा था, ये वही है जिनके दर्शन की अभिलाषा में मैं तड़पता था। प्राण प्यारे बाबा, आखिर मैं आपके पास पहुंच ही गया। आपके मिलन से मेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो गए। आपके पास आकर मैं अथाह सुख का अनुभव कर रहा हूं। आप मेरे हो, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया बाबा। बाबा की भी आवाज जैसे मैं अनुभव कर रहा, वो कह रहे हैं कि तुम मेरे अति मीठे बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। बाबा की इस स्नेह में सुखदाई आनंददाई किरणों से मैं भरपूर हो रहा हूं। उनके वाइब्रेशंस पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। आनंद की इसी दिव्य अनुभूति के साथ अब मैं आत्मा वापस आ जाता हूं अपनी साकार देह में। मैं सत्चित आनंद स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर आनंद की तरंगें फैल रही है। आज आत्मा के मूल गुणों का सुंदर अनुभव करते हुए बार बार बाबा के पास जाएंगे। कभी शांति, कभी प्रेम, कभी पवित्रता से खुद को भरेंगे और नीचे आकर सबको इन दिव्य गुणों का अनुभव कराएंगे। ओम शांति।